अरे गाइस यार, आज तो मुझे सिंचैन को उसके स्कूल लेके जाना है, इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा। ओह गुड मॉर्निंग गाइस। एक मिनट, यहाँ तो सिंचैन है ही नहीं। लगता है गाइस वो ऑलरेडी स्कूल चला गया है। खैर कोई नहीं, चलो हम नहा लेते हैं, ठंडे ठंडे पानी में मस्त नहाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम हो रहा है दोस्तों। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं आज टोनी स्टार के पास चला जाऊँ। वहाँ जाने के बाद उससे कोई जॉब वॉब मांग लूँगा यार, पैसे वैसे की कमी पड़ गई है मुझ पर, इसलिए मैं नहा वहा लेता हूँ। उसके बाद सीधा हम स्टॉक के पास जाते। तो ये मारी हमने। एक मिनट गाइस, ये मेरा स्विमिंग पूल इतना डार्क और गहरा कहाँ से हो गया? मेरे स्विमिंग पूल में इतनी ज्यादा जगह कहाँ से गई? अरे बाप रे गाइस, मुझे एक मिनट, मेरे स्विमिंग पूल के नीचे ये हल्क बस्टर का सूट क्या कर रहा है? गाइस ऐसा तो है नहीं है कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ, यहाँ पर तो ये हल्क बस्टर का सूट है। अरे बाप रे गाइस, ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। अरे अरे अरे, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है, मुझे जल्दी करना होगा गाइस। यहाँ पर क्या एक ही सूट है और भी है? मेरे हिसाब से मुझे गाइस इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये लग तो बिल्कुल असली रहा है, बाकी अभी पता चल जाएगा। एक काम करते हैं दोस्तों, कहीं और भी जाके देखते हैं। फिलहाल तो बस एक सूट मिला है, क्या पता मुझे और भी सूट मिल जाए। यहाँ पर गाइस ये इतना गहरा पूल कैसे हो गया मेरा? कहीं मैं कोई सपना अपना तो नहीं देख रहा? एक मिनट गाइस, यहाँ पर देखिए एक और सूट है। अरे बाप रे, दो सूट मुझे ऑलरेडी मिल गए, एक है ब्लैक हल्क बस्टर और एक रेड हल्क बस्टर। गाइस यहाँ पर दो आयरन के सूट मिले, वो भी इतने कमाल के। हमें इन सूट को अपने घर पे लेके जाना होगा जल्दी से, मुझे जल्दी जल्दी बाहर जाना होगा। अरे गाइस मेरी सांस कम हो रही है, जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो मैं यहीं पे पानी में डूब के मर जाऊंगा, जल्दी कर दो गाइस। अरे बाप रे, एक और हल्क बस्टर का सूट। अरे भाई यार, यहाँ पे देखो गाइस, तीन हल्क बस्टर के सूट मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से क्या पता और भी हो। गाइस आप प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहो, मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारे आयरमैन के सूट ढूंढने हैं और दुनिया का बहुत ही ताकतवर और मशहूर अवेंजर बनना है, इसलिए गाइस जल्दी से करो। देखिए यहाँ पर एक और मिल गया, तीन हो गए, मतलब यार आज तो जैक पॉट ही लग गया। गाइस एक काम करते हैं और जाके ढूंढते हैं। अरे भाई बहुत मेहनत लग रही है, इतने टाइम से पानी में हूँ मैं, जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे बाप रे, अरे यार क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, जल्दी चलता हूँ बाहर। अरे अरे एक मिनट गाइस, यहाँ पर एक और सूट है। अरे भाई चार सूट पूरे हो गए टोटल। गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक और सूट दिखा था, ये रहा गाइस छुपा हुआ। गाइस पता नहीं किसने यहाँ पर हल्क बस्टर के सूट्स को इस तरह से छुपा दिया है, लेकिन मेरा तो फायदा ही है। एक काम करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले अरे बाप रे पानी से बाहर निकलते हैं। ये एक मिनट गाइस, मैं तो अपने स्विमिंग पूल में कूदा था, ये कहाँ पर आ गया मैं? गाइस पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्विमिंग पूल में कोई पोर्टल वॉटल को निकल गया हो। गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इंसान आ रहा है, चुपचाप पहले खड़े रहते हैं, कोई शैतानी नहीं करते। ए भैया कहाँ रहा है इधर? अरे कुछ नहीं भाई, नहाने आया था। ऐसी बात है, ठीक है नहा लो मजे करो। तो गाइस उसको दिखने नहीं चाहिए हल्क बस्टर के सूट। एक काम करता हूँ, अपने ड्रोन से सारे सूट्स को बाहर निकाल लेता हूँ। चल भाई आ जाओ। गाइस अंदर जो सूट मिले थे वो भी लेने गए। एक ये रहा, ये दूसरा सूट है हमारा हल्क बस्टर का। अरे भाई ये वाला रेड का है, तुम्हें दिखाई नहीं था। और यहाँ पर देखिए एक और हल्क बस्टर का सूट, अरे ये वाला तो बड़ा वाला है गाइस, 2.2 है ये तो सच में। एक ब्लैक और था बड़ा ही प्यारा, कहाँ पर गया? अरे ये रहा गाइस मेरा फेवरेट हल्क बस्टर। यस गाइस मुझे यहाँ पर तीन तीन हल्क बस्टर्स के सूट मिल चुके हैं, नहीं तीन ही चार हैं। अरे भाई चार मिल गए, मजा आ गया। गाइस अब हमें इन सारे सूट्स को घर लेके जाना होगा और इनको चेक करना होगा। ये पानी में थे तो हो सकता है इनमें एनर्जी ना हो, इसलिए हमें चार्ज वार्ज भी करना होगा। जल्दी से काम करते हैं, ट्रक लाते हैं, सारे सूट्स को लोड करते हैं और यहाँ से लेकर सीधा घर पहुँचते हैं। अरे यहाँ पर तो अरे वाह, ये तो बड़ी बढ़िया गाड़ी है। गाइस चुपचाप चलता हूँ मैं, फिलहाल वैसे एयरपोर्ट पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर अगर किसी सिक्योरिटी वाले बंदे ने मुझे देख लिया तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी, इसलिए पूरी स्पीड में यहाँ से निकलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा हूँ मैं, मुझे मेरे चारों सूट अभी के अभी चाहिए, वो भी अरे अरे बस 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 बस। तो बस गाइस मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। एक काम करते हैं, यहीं पर अपनी कार को खड़ी कर देते हैं, बस इतना सही है। अरे बाप रे तो हट जा, अरे नहीं बच गया यार, अभी नीचे गिर जाता मैं, पता नहीं कैसी कार है। गाइस देखिए मेरे सारे सूट्स नीचे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया, किसी को पता भी ना चले, इसलिए मैं चुपचाप इन सारे सूट्स को ले जाऊँगा। अरे अरे आराम से, ठीक है। यहाँ पर एक एक सूट को हमें सबसे पहले ऊपर अपनी कार से चिपकाना होगा, जिससे बढ़िया तरीके से ये रहे। तो गाइस देखिए मैंने इनको कर दिया अटैच, चलो भाई अब चलते हैं, बहुत ही मजा आ जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने सूट्स को यहाँ पर अटैच कर लिया अपनी कार से और पूरी स्पीड में हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि पुलिस वुलिस हमको देख ले, परेशानी हो जाएगी। गाइस फाइनली मैं निकल गया, चार वाल तोड़ के निकलना पड़ा है यार मुझे, कोई प्लेन मिले ना जाए नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ये गया मैं पूरे स्पीड में यहाँ से, जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर के रोड की तरफ आ चुका हूँ और मैं अपने घर जाने ही वाला हूँ, अब तो मजा ही आ जाएगा। गाइस सिंचैन स्कूल से आएगा तो सोचो कितना शौक हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसके भाई के पास चार चार हल्क बस्टर के बहुत ही कमाल के ताकतवर के सूट हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए। अब एक काम करते हैं दोस्तों, सारे सूट्स को नीचे लेके चलते हैं और एक एक सूट को हम पहन कर देखेंगे और देखेंगे उनमें कैसी एनर्जी और कैसे काम करती है। चॉप कैसा है? बढ़िया भैया, तू बता।
मैं भी सही हूँ क्योंकि मुझे मिल गए आयरन मैन के कमाल के सूट्स। तो गाइस मैंने सारे सूट्स को घर पे ला के रख लिया है, अब समय आ गया इनकी पावर्स चेक करने का। मैं चाहता हूँ कि इन सब में पावर्स हों, तो इसलिए प्लीज़ जल्दी से आप कमेंट में मेरे लिए फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इन सूट्स में पावर आ सकती है। प्लीज़ अपनी पावर दिखा दो आज, प्लीज़ जल्दी से लिख दो। तो गाइस अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 2 और ये, अरे ये क्या गाइस, ये सूट तो ठीक से दौड़ भी नहीं रहा। मुझे लगता है इसकी एनर्जी तो पूरी तरह से डाउन है। हम दूसरा सूट चेक करते हैं, ये ऑरेंज वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है यार मुझे, एक मिनट पढ़ रहा हूँ ये, 1 2, अरे नहीं गाइस इसकी पावर भी काम नहीं करी। ऐसी बात है भैया, तो ये फ्रैंकलिन के पास इतने खतरनाक सूट कहाँ से आए? लगता है इसके स्विमिंग पूल में कोई पोर्टल खुला हुआ है, मुझे रिवेंजर बॉस को बताना होगा। 4-4 हल्कबस्टर के सूट लाए हैं, क्या पता रिवेंजर बॉस को और भी खतरनाक सूट मिल जाए, चलता हूँ जल्दी। ये अरे रिवेंजर बॉस मेरी बात सुनिए। क्या बात है, यहाँ क्यों आया है? अरे मेरे पास बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, वो फ्रैंकलिन है ना, उसके स्विमिंग पूल में एक पोर्टल है जिसके थ्रू वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर उसको 4 हल्कबस्टर के बहुत खतरनाक सूट मिले। मैं चाहता हूँ आप उन सूट्स को ले लीजिए, आप बहुत ही लकी और अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो ठीक है मैं तैयार हूँ, चल मुझे लेकर अभी कभी। अब तो फ्रैंकलिन के सूट भी मैं छीन लूंगा, और हाँ साथ साथ में उसके पूल में घुसकर बाकी के सूट्स भी निकाल लूंगा। सीधा यहाँ से निकलता हूँ। बॉस मुझे भी कुछ दे देना मिल जाए तो। अरे बिल्कुल, तुझे भी एक सूट दे दूंगा, चिंता मत कर हल्क शॉक, जल्दी जल्दी चलता हूँ। हे फ्रैंकलिन। अरे गाइस ये किसकी आवाज आ रही है? मैं हूँ रिवेंजर हल्क। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गाइस मैं छुप जाता हूँ, रिवेंजर मेरे घर पे क्यों आया? ये ले, मैं सीधा पूल में जाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे ये कहाँ गया मैं एक साथ से? लगता है फ्रैंकलिन को भी सूट्स यहीं मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है सारे सूट्स फ्रैंकलिन ऑलरेडी ले गया हो, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही ना हो? अरे ये तो परेशानी हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फ्रैंकलिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे लगता है मुझे अब वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी सूट नहीं है। फ्रैंकलिन मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर एक भी सूट नहीं है, ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मुझे तो एक भी सूट नहीं मिला, मैं तो कंगाल हो जाऊँगा, जल्दी जल्दी चलता हूँ। और बाप रे बहुत गड़बड़ हो गई। अरे गाइस ये रिवेंजर मेरे स्विमिंग पूल में गया और वापस कैसे आ गया? हे फ्रैंकलिन बाहर आ, मुझे तेरे सूट चाहिए। अरे भाई रिवेंजर कौन से सूट, कैसे सूट? झूठ मत बोल, तुझे तेरे स्विमिंग पूल में एक ऐसा रास्ता मिला था जिस रास्ते के थ्रू तू 4 सूट लेकर आया हल्कबस्टर के, उसमें से एक भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर गए सारे सूट? अरे मुझे क्या पता भाई, असल में मुझे कोई सूट नहीं मिले, मैंने भी सच में कुछ ऐसा ही सपना देखा था, हो सकता है तुम्हें जिसने बताया उसने भी सपना देखा हो। मेरा उल्लू मत बना, क्या समझ रखा है मुझे? अरे बाप रे गाइस ये तो गुस्सा हो रहा है, तो जल्दी से मेरे सूट वापस कर मुझे। अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, एक काम करता हूँ मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सूट ढूंढ के लिए आता हूँ। नहीं वहाँ पर कुछ भी सूट नहीं है, मुझे तेरे ही सूट चाहिए। अरे बाप रे गाइस बचाओ मुझे, हट यहाँ से, दूर फेंक दिया। अरे गाइस पता नहीं किसके स्विमिंग पूल में फेंक दिया मुझे, बच गया मैं, चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक काम करता हूँ दोस्तों, जल्दी जाता हूँ और जाकर उससे बोलता हूँ कि ये मुझे मेरे सारे सूट्स लौटाए, कहीं वो मेरे सूट सच में ले गया हो, वैसे तो मैंने अपने सूट छुपा दिए थे, बस उम्मीद करता हूँ मेरे सूट उस रिवेंजर को मिले ना हो। जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हे रिवेंजर कहाँ पर है तू? अरे गाइस नहीं, वो मेरे सारे सूट लेंगे, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अभी के अभी जाता हूँ मैं बाहर, मैं जाता हूँ एक डेड पॉइजन गन खरीदने, वो चाहे कितने ही पैसे की हो मैं उसको लेकर रहूंगा, उसके बाद मैं इस रिवेंजर को छोड़ूंगा नहीं। हाँ भैया खैरियत। हाँ भाई खैरियत, मुझे असल में डेड पॉइजन गन चाहिए। अभी तो ले गए थे 3 हफ्ते पहले। अरे भाई वो वाली गन तो पता नहीं कहाँ खो गई थी, इसलिए प्लीज ये वाली गन मुझे दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पक्का तुझे लौटा दूंगा। अरे भाई गन वन लौटाने का चक्कर नहीं है, काम करना तो 3 हफ्ते बाद मेरे को $4 मिलियन दे जाना, $3 मिलियन की जगह, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, तो ये पैसे मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मुझे $1 मिलियन ज़्यादा देने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कोई नहीं, हम पैसा तो कमा लेंगे जब हम दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर हल्कबस्टर बन जाएंगे। ये देखिए गाइज इस गन की पावर, एक में ही पूरा लोहा चटका दिया इसने। सो गाइज यहाँ पर मैं हल्क शॉक के पास आ चुका हूँ, अब इसकी बैंड बजेगी। अरे वाह भाई ये तुम्हारा मजा है, तूने मेरे सूट को कहाँ छुपाया बता? इस अंडे के अंदर है। गाइस इन्होंने मेरे सूट को अंडे में क्यों डाल दिया? लगता है जरूर ये इसको चार्ज करना चाह रहे होंगे, कुछ तो ऐसा करना चाह रहे होंगे जिस वजह से इनका फायदा हो। इसे फोड़ के देख लेते हैं। अरे वाह यहाँ तो ब्लैक पनीशर हल्कबस्टर मिल चुका है। गाइस अब समय आ गया इसको पहनने का,
और अपने विलन्स को मारने का। हे हल्क शॉक, मुझे ये बता बाकी सूट कहाँ पर है? एक तो भैया रेड डेविल के पास है और एक मॉन्स्टर हल्क के पास और एक एक तो मैं जानता हूँ रिवेंजर के पास होगा। तो गाइस रिवेंजर हल्क ने अपने दोस्तों को एक एक सूट बेच दिया है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले हम रेड डेविल के पास चलते हैं, उसकी बैंड बजाने के बाद हम बाकी देखेंगे। हाँ भैया काफी अच्छा सूट है इसमें, जरूर तू कौन है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भगया से ये ले तेरी, तो ये ले तू मारेगा मुझे बेटा। और बाप रे बहुत खतरनाक है तू तो। गाइस देखो कैसे डर रहा है मुझसे रेड डेविल, डरना भी चाहिए बेटा तू। एक मिनट कहाँ गया, ये ले। और कहाँ पर गया, यार यार ये ले। कैसी लगी? और बहुत बुरी लग रही है, छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा, बुरी तरह से मारूंगा तुझे। देखिए गाइस मैं रेड डेविल हल्का का क्या हाल कर रहा हूँ, मजा आ गया इसको पीट करके। अब एक काम करते हैं जल्दी से ऊपर जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों अपना अंडा फोड़ लेते हैं। पूरी स्पीड में आऊंगा यहाँ पर, कहाँ पर गया अंडा, ये रहा। तो गाइस क्यों ना इसको फोड़ा जाए और इसमें से एक और कमाल का हल्कबस्टर वाला सूट निकाला जाए। तो ये ले गाइस यहाँ पर एक और ग्रीन नहीं सीधा हल्कबस्टर 2.0 रेड कलर का वर्जन मिला है जिसके गोल्डन हैंड्स हैं गाइस, सच में ये देखिए। तो गाइस ये वाला सूट भी बहुत कमाल का है। अब इसका यूज़ करके हम सीधा मॉन्स्टर रेड हल्क के पास जाएंगे और उसकी बैंड बजाएंगे और उससे अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाले सूट लेंगे। कुछ की आवाज़ आ रही है, तू कौन है? मेरा नाम फ्रैंकलिन है, ये ले तेरी, तो ये ले। देखिए गाइस मैं इसकी क्या बैंड बजा रहा हूँ, अरे छोड़ मुझे, नहीं कर तुझे छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, ये ले। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ मोटे। देखा गाइस मैं इसका क्या हल कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पीटा जा रहा है। और ये ले और ये ले, अरे प्लीज छोड़ दे मुझे, मुझसे गलती हो गई, कितना मारेगा, हालत खराब कर दी। गाइस हमने यहाँ पर रेड हल्क को भी बैंड बजा दिया है, अब जल्दी से इसका वाला अंडा भी हम फोड़ लेते हैं। अब तो दोस्तों इसमें भी हमें कमाल का, बहुत ही कमाल का आयरन मैन का सूट मिलने वाला है। तो तैयार हैं आप सभी? मैं तो तैयार हूँ। तो ये फोड़ा, अरे वाह गाइस यहाँ पर ग्रीन हल्क बस्टर हमें सूट मिल चुका है जो कि काफ़ी ही यूनिक सूट है और इसको मैंने पहन लिया है। अब जल्दी एक काम करते हैं, इस सूट को लेके चलते हैं हम सीधा उस रिवेंजर हल्क के पास। गाइस मेरे पास कम से कम 300 हल्क्स की ताकतें आ गई हैं क्योंकि ये सूट पावर्स को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए देखिए कितना कमाल का लग रहा है। किसकी आवाज़ आ रही है ये? एक मिनट फ्रैंकलिन, तू यहाँ क्या कर रहा है? गाइस इसने मुझे पहचान कैसे लिया? खैर कोई नहीं, अब तूने मुझे पहचान भी लिया तो तेरी बैंड तो मैं बजा कर रहूँगा क्योंकि मैं हूँ खतरनाक हल्क बस्टर, वो भी ग्रीन वाला। गाइस ग्रीन वाला बस्टर तो काफ़ी कूल है। हे छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा, तेरी बैंड बजा दूंगा बेटा, ये ले, बुरी तरह से पीटूंगा तुझे, ये ले। देखिए गाइस का क्या हाल कर रहा हूँ मैं, अरे कितना बुरा मार रहा है मुझे, छोड़ दे प्लीज, नहीं प्लीज। देखा गाइस कैसा पीट रहा हूँ मैं इसको, देखिए क्या हाल कर रहा हूँ मैं, प्लीज छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा, रुक तेरी तो और बैंड बजाता हूँ। ये उठाया मैंने पत्थर और ये पटका इसको। यस गाइस इसकी मैंने हालत खराब कर दी। अब एक काम करते हैं दोस्तों, जल्दी से इस वाले सूट को भी निकाल लेते हैं अंडे के अंदर जो है। तो गाइस समय है, आ गया है ग्रीन डेड पॉइजन गन का यूज़ करने का। तो गाइस यहाँ पर मेरा लास्ट सूट भी निकल गया जो कि ऑरेंज ट्रांसफॉर्मर हल्क बस्टर है, इसको भी हम पहन के देख लेते हैं एक बार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसकी पावर्स भी बहुत कमाल की होंगी। तो गाइस यहाँ पर फाइनली मैंने मेरा लास्ट सूट भी पहन लिया है और ये मुझे बहुत ऑसम लग रहा है। अब गाइस मैं आपको अपने सूट्स के सारे कलेक्शन दिखा देता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं? तो ये देखिए गाइस, दो तो बड़े बड़े हल्क बस्टर हैं और दो छोटे हल्क बस्टर हैं, लेकिन सारे कमाल के हैं। आपका फेवरेट कौन है कमेंट में बताओ, मेरा तो ब्लैक पनिशर हल्क है, आपका कौन सा ये बताओ। मुझे ब्लैक पनिशर हल्क बस्टर ज्यादा अच्छा लगता है वैसे, और आप बताओ आपका कौन सा अच्छा लगता है आपको। और बाकी आप सभी को इस तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पास जरूर लिखना। और गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं उसमें से कोई सा वीडियो देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।